पार्वती लुप्त हो गई छथी मते महत्वपूर्ण सूचना और तारकासुर को शीघ्र देबा को पड़िबो। भोला हठात चली गले देवी जहाँ किछि हेछि उचित हे नै देवी समस्त को विदित अछि जे शक्ति बिना शिव शिव तत्व निष्क्रिय हो जाय थाए आउ आजि आमर भोला पार्वती को खोजी पाइबारे असमर्थ हबाटा तार प्रत्यक्ष प्रमाण देवी के जानी कौन हबो। अद्भुत भल शुभ समाचार आनी आसीच तुम्हें तोतासुर एबे जाओ पार्वती लुप्त हो गले कौन शुभ हब माता। अरे मूर्ख पार्वती अंतर्ध्यान हबार अर्थ हो शिवंकर शक्ति निष्क्रिय हो कारण जेपर्यंत पुरुष प्रकृति सहित रही थाए सी बलवान ऊर्जावान रही थाए किंतु एबे एबे तो पार्वती लुप्त माने प्रकृति भी लुप्त हो जाइछि। मु तुम कथार अर्थ बुझी पारिछि माता। पार्वती अंतर्ध्यान परे शिवं अवस्था से भली हेब जेमिति सती दहन परे हेइथिला संपूर्ण ठीक निर्लिप्त निर्विकार आउ निष्क्रिय अर्थात शक्ति बिना शिव सब समान हेइजिव। युद्ध नीति अनुसार जेतेबेले तुम शत्रु दुर्बल थिबो सेतेबेले ता उपरे आक्रमण करिबो से शिवंकु श्मशान पठेबार एहा ही उचित समय देखिले तो माता मो भगिनी केते बुद्धिमती से शिवंकर अंत मु करिबी आउ तार साखी रहिबे ए दिगपाल माने। माता मोर आपणकर से मायावी वंशी आवश्यक पड़िबो। तू से मायावी वंश नहीं कौन करिबु कारण से तो खेल हम कल प्रातः काल पड़ोसी मित्र विषय जानापी ध्यान असमर्थ स्थिति कहीं भोला देवी पार्वती विषय किसी जापार नाई मा संपर्क हो पार ना के जानी केउठारे अछंती सी मोर तरंग शक्ति मध्य प्रभावहीन हे जाउची मा मते अपराध बोध हेउची। अपराध बोध हेउची तमी कोन कलो मु पड़ोसी मित्र को देइथिबा वचन पूर्ण करी नाही मोर कैलास जीवा उचित थिला मा मु वचन पूर्ण न करिबारु से अंतर्ध्यान हो जाइछंती मते तांको खोजिबा को जीवा को हेबो मा से निज इच्छा अंतर्धान होती भोला कहीं अपहरण करना
सी तो कौन वस्तु नुहंती तमें खोजा जीव सी तो मोर मित्र मा मित्र हेबा दृष्टि मोर धर्म है मुंकु जा खोजा उचित परंतु क्यों आड़े जीव ना तुम स्थान विषय जाच आ कौन सी मार्ग चल तुम भोजन करनी भोजन करने को इच्छा नहीं मा मा मु पड़ोसी मित्र भवन को जीवाक चाहूँगी संभवतः मुठा को गले मानसिक संपर्क स्थापन होठा को जीवापाई आज्ञा दियो मा ठीक अच्छी आज्ञा दे परंतु शीघ्र फेरी आसब हाँ मा शीघ्र फेरी आसबी जाओ भोला मु जानी दिने ना दिने एमिती समय आसीबो जेउदिन एहिपरि तमे मते सबु दिन पई छाड़ी दे जीवा पई आज्ञा मागिबो आमे ठिकी काहे कि आछु राजकुमारी जजमुखी अंतर आरंभ करिबा पई कहार अंत आमर शत्रु शिशु भोलांकर अंत आउ तांको अंतर आरंभ हब गुरुकुलरु गुरुकुलरे तो विद्यार्थी अध्ययन करंती जानिछि सेथि पाई तो शिशु भोलांको फसेबा पाई मु एमानको माध्यम करबी सीए केमिति केमिति एई मायावी बंशी द्वारा मु सेमानंकु सम्मोहित करदेवि आउ नेई आसिबि मृत्यु मुखकु जेतेबेले मु से विद्यार्थी मानंकु मृत्यु पाखकु नेई आसिबि से शिशु भोला आघात सह्य करिपारिबेनि सेमानंकु बंचैबाकु आसिबे परंतु बंचै पारिबेनि एबे चाल गुरुकुल शिवंकर अंत करिबा कथार आरंभ करिबाकु प्रभु मते लागिला पड़ोसी मित्र आपण केउठारे मित्र एबे माता केउठी अछंती प्रभु माता शीघ्र चली आसंतु एही संकल्प को मु मनर नै आपण को प्रार्थना करुची प्रभु मु सुनिची आपण बहुत दयालु केवल मात्र गोटिए कलसी जल आउ एक मात्र बेलपत्र रे ही आपण प्रसन्न हो जाती आ भक्तर मनस्कामना पूर्ण कर दियंती परंतु मोर मनस्कामना आपण केबे पूर्ण करिवे प्रभु कहीं आखि बुझी दे मो पाई मु तो केबेटारु आपण को प्रार्थना करुची परंतु मु भी मोर प्रयास से पर्यंत छाड़ी प्रभु जे पर्यंत
कुआडे जाउछंती आमर छात्र माने आ कहा पछरे जाउछंती एक अजना स्त्री लोक पछरे काहे की जाउछंती माने रही जाओ छात्र माने आश्चर्य कोन हेचे माननकर आज पर्यंत केबे एमिती हेनी जे मु डाकिले माने उत्तर देना आउ ये अजना स्त्री लोक को मो गुरुकुल आखपाखे केबे देखिनी जाई देखा को पड़ आपण अनुपस्थित मते एहा बोध हैला मित्र जे आम मित्रता अमूल्य आपणक स्थान मो जीवन रे मो माँ परे ओ सबुठारु गुरुत्वपूर्ण माँ परे जदि मु काहाकु स्मरण करे तेबे सीए केवल आपण मित्र मते किछि न कहि कुआडे चली गले मित्र कण आपणकर मो कथा स्मरण हेउ नाही मु बुझी पारु नाही मु आपणकु केउठारे खोजिबि मित्र आपण केउठारे मते कहंतु मित्र आपण मते आभास दियंतु रही जाओ ये तुम्हें मु तुमको पचारुछी परिचय कौन तुमरो आउ आम गुरुकुल बालक मानू कहीं जाऊ तुम्हें महान तारकासुरंकर भगिनी मु राजकुमारी जजामुखी जजामुखी प्रथम ए कथा कुह कौन करुचो तमे एई निर्दोष बालक मानक सहित ऋषि अत्री देखिबा को चाहुचंती कौन करिछि बालक माने आग को चलो रही जाओ
मु कहूची रही जा तुमे माने आगो को बहुत बड़ा विपद अछि बहुत बड़ा विपद अछि किछि भी हबनि ऋषि अत्रि सम्मोहित करिछि मु एमाननकु सम्मोहित करिछ कोन चाहुछ तुमे शिशु भोळांकु एठी कु डाकिबा काहें कि तांकु एठी के आनिबा को चाहुछ तुमे जेमिति तांकर निष्क्रियता और शक्तिहीनता को देखि परिबे आउ भ्रातांकर अमरत्व मार्ग रे बाधक साजिथिबा से शिवक ठारु तांकर मृत्यु वर्णर वचन नै परिबे असंभव असंभव ये भोळा तुमर ए नीच इच्छा केबे भी पूर्ण करिवेनी मते एपरी कहीं आभास होउछि जे मोर पति को उपरे कौनसी संकट आसी कष्ट दुख लगुच शिवर परंतु कौन करतीत अन्य कौनसी मार्ग ना मो पाखे शिव को एठा को डाकिबा को आपण मानको एमती संकट रे देखिबे तो दौड़ी चली आसिबे रक्षा करबा आउ जेते बेले निजर शक्तिहीनता कारण आपण मानको रक्षा न करि परिबे सेते बेले तांको सम्मुखरे मु मोर शर्त रखिबे शिवंक पाखरु तांकर मृत्यु वरणर वचन मागिबि मु आउ थरी जदि से वचन देइ देबे तेबे स्वयं सीए निजे निजर वचन को खंडित करिबेनी ता परे मोर उद्देश्य पूर्ण हे जिवो बहुत बड़ा मूर्खामी करुछ तुमे दुष्ट तुम्हें जानी न क्यों भ्रम जाल रे पड़ी जाई छ तमे मु एपी जणे दउची किए मूर्ख आउ किए बुद्धिमान बारक माने देई पड़ो रही जाओ कौन करू छ तमे अटकाओ से रही जाओ शिशु भोला को आने को प्रयास आसबे तो बचे देवे अन्यथा मरी जिबे रही जाओ इत्ते निर्ममो इत्ते क्रूर हुअनि जजामुखी छाड़ी दियो से पिलामानंकु दया कर सेमानंकु जजामुखी दया भिक्षा मते मागंतु ऋषि अत्रि आपणंकर दयार सागर शिशु भोळांकु कुहंतु एठिके आसिबाकु एबे होय त सी आसिबे नतुबा एमानंक प्राण जीव चयन करि नियंतु एमानंकु हरेइबे ना तांकु डाकिबे आज पूर्व आपण मत व्याकुता केवे भी लगनी ऋषिवर मोर आत्मा कहूँ जे आपण निसंदेह संकटरे पड़ी मुझे मत जा भोला कह सी जापर प्रकृत परिस्थिति कौन कौन है ऋषि अत्री कुआ गले तुम शिशु भोला सी तो संसार को रक्षा करने को तत्पर रही था सुनिछि से संसार को रक्षा करबा पई विषपान मध्य करथिले एबे कुआरे गला तांकर से तत्परता बुझी गली पार्वती लुप्त हेइ जिबारो तांकर शक्ति भी लुप्त हेइ गला एबे से मानन को रक्षा करबा को आसिबेनी करो नहीं शिवंक शक्ति रो कोलोना तुमे जानिन तमे शिवंकु जानी न तमे तांको महिमा को ना तो केबे जानी पारिबो एबे भी समय अछि तुम पाखरे
कारण थरे जदि शिव एठाकु आसी जिबे तेबे तमर पाप आउ अत्याचार सहित तमर भी अंत हेइ जिव जानिथो जजामुखी जहार स्वयंकर अंत निकट हेलाणी सी मते मोर अंतर भय देखुछंती मो केवल तुमको बुझेबाकु चेष्टा करूछि जजामुखी पाप आउ अत्याचारर ना अवधि दीर्घ होइथाय ना आयु आउ थोरे जदि पाप आउ अत्याचारर अंत होइ जाय ता सहित पापी आउ अत्याचारीर भी सबुदिन पई अंत होइ जाय जजामुखी तेबे शीघ्र डाकंतु शिशु भळंकु शीघ्र डाकंतु जदि ए समस्तंकर जीवन रहु चाहुचंति त डाकंतु तांकु लागुछि आपणक स्मृति उपरे घन आवरण हेतु मो संसाररु बिछिन्न हे जेछि तेनु आपणक सह संपर्क हे पारु नाही मित्र एक कथा सत्य जे काहार भी मूल्य एवं महत्व ता अनुपस्थिति रे जाना पड़ी थाए मोर स्मरण आसुछि आपणकर से रौद्र रूप जेबे मु प्रथम थर आपणकु भेटी थिलि एवं मित्र आपण सेतबेले भी चली जाइथिले जेबे संसार रे विष उद्गीरणर संकट आसीथिला